हेलो मित्र, नमस्कार। मैं डी बी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे प्लीज़ बर्दाश्त करिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है और मैं दूसरे लैपटॉप से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, आज निफ्टी ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा पूरी करी, तो देखिए साहब, यहाँ से लेके यहाँ से लेके जो मार्केट है वो यहाँ से आई, मार्केट यहाँ से पहले ऊपर थी, फिर थोड़ी नीचे आई, फिर ऊपर गई। मतलब हमने जो कल बात करी थी कि मार्केट जो है वो 16,000 करीब वो 400 तक जाएगी, 16,400 तक जाएगी, तो आज मार्केट ने वो 16,300 तक की गई थी हमने, तो और मार्केट ने 16,400 तक के यहाँ पर टारगेट दिखा दिए आज, 16,395 तक के। अभी देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। मैंने कहा था कल, एक मैंने आपको एक कैंडल का चर्चा किया था, जो हमारी जो डोजी कैंडल होती है, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमें अच्छी लगती है, जो पैसे वाली कैंडल है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने आज हमें इंडिकेट किया। मैंने कल ही तो चर्चा करी थी। देखिए यहाँ पर देखिए, 18 तारीख की बात है। देखो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कितनी तारीख की, 17 तारीख की बात है। तो देखो कितना अच्छा मूवमेंट बना डोजी कैंडल के बाद में यहाँ पर। और अगर हम आज की बात करें तो देखो यहाँ पर डोज कैंडल बना, इसके बाद देखो यहाँ पर मूव मिला हमें। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर 16,344 के बाद में यहाँ पर गया है ये 16,397, 16,000। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद आप एक देख रहे हैं, एक बार देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देख लीजिए। चलो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आप लोग कि एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये डोजी कैंडल बना है। इसके बाद में यहाँ देखिए, चलो इसको छोड़ दो, ये तो बहुत छोटे छोटे टारगेट है। अभी यहाँ आ जाओ, यहाँ मार्केट कितनी देर रुकी है, ये देखिए आपकी 11:40 से लेके और यहाँ पर 12:10 तक। देखो ये कैंडल बनी, यहाँ सफर किया हमने, फिर दूसरा सफर किया, अब तीसरा सफर कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के नीचे आई, जस्ट एंट्री मार दी, तुरंत यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनी। अब मैं समझ गया, हाँ भाई साहब, ये मार्केट ड्रामा करने वाली है, तुरंत से यहाँ से निकल जाओ। हमें देखिए मिल गए टारगेट कितने, हमने अगर मान लीजिए यहाँ पर एंट्री मारी तो 16,353 पर हमारी एंट्री, और हमें जो टारगेट मिले यहाँ पर, हमने इसको बनते ही मार दिया यहाँ से 16,270 मान लीजिए। तो यहाँ हमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिला। इसके बाद में फिर यहाँ मार्केट ने स्टे किया, और इसके बाद फिर यहाँ डोजी कैंडल बना, फिर यहाँ के बाद 16,249 के बाद यहाँ पर फिर देखिए कम, फिर ये मार्केट 16,353 तक भागी। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये कैंडल गड़बड़ करने लगी, तो यहाँ पर ये टाइम भी हमारा हो गया कि मार्केट से हमें अलविदा कह देना चाहिए, और अलविदा कह दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कि हम लोग कल क्या हो सकता है, कल 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 तो कल पहली बात तो ये अपना आज का जो हाई है तोड़ के भागे 16,400 को, 16,400 को अगर ये तोड़ के भागता है तो 16,600 के कल के लिए टारगेट हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि बस आपसे कह दिया कि मैंने 16,600 के टारगेट दे, पीछे देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बड़ा ये राम कहानी बन रही है। अगर ये इसको तोड़ेगी, इसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल है भाई, अगर इसको तोड़ेगी 16,400 को, तो ये यहाँ पर 600 तक के टारगेट को पकड़ेगी कल पेस तक। अगर बाई चांस, सीधी सी बात बता रहा हूँ साहब, अगर ये इसके नीचे जाती है, 16,200 से नीचे जाती है, तो हमको टारगेट मिलेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, पहले टारगेट तो हमारे होंगे साहब 16,125, फिर इसके बाद होंगे यहाँ पर 16,125 के बाद में फिर हमारा सीधा जो टारगेट होगा 16,000। देखिए यहाँ से नीचे आती है मार्केट, आती है नीचे यहाँ से 16,200 से, और हमको टारगेट पे ध्यान रखना है कहाँ पर, ये देखिए ये 16,000, 16,200 से अगर नीचे आती है तो 16,000 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं कल, समझ रहे हैं। अगर 16,200 से नीचे आती है तो फिर तो भाई मज़े आ जाएंगे, फिर मार्केट मिलेगी हमें 16,900 तक के, हमें को टारगेट मिल सकते हैं कल ही, वो सॉरी 15,900 तक के, 15,900 तक के हमें कल ही टारगेट मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कल वैसे एक्सपायरी का दिन है, बहुत ही छोटा अमाउंट, 25 बैंक निफ्टी वगैरह ऐसे करके कोई 50 का आता है अलॉट, तो मान लीजिए 5 का, 10 का, 10 20 का, कोई ट्राई करना है, चेक करना है, बस सीखना है,
पेपर ट्रेड करनी है बस, मान लीजिए 200 250 रुपये 300 400 रुपये लगा के उसको बस चेक करना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी ट्रेड करनी नहीं है, सीखना है, तो सीखने के बाद ही हमें पैसा कमाना है, ठीक है। अब चलो यहाँ ये हमने बता दिया आज कल आपको, इसके बाद में ये गैप डाउन हो गैप अप हो या फ्लैट हो, मैं सारे टारगेट आपको इसी में सम्मिलित हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। पहली बात 16,632 का इसका हाई है भाई, ये देख लो आप, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये 18 का ही है, तो यहाँ पर 34,628, 34,628 का यहाँ पर इसको पूरा तगड़ा यहाँ पर क्या मिला हुआ है बताया आपको, ये रेजिस्टेंस मिला हुआ है। अब आप कहेंगे ये यहाँ से ही क्यों बैक हो गया, तो चलो पीछे देख लेते हैं भाई, पीछे भी देख लिया करो, देखो यहाँ से देखिए आप लोग कैसे, मैं कह देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आ रही है, ये होगा वो होगा, मैं कोई वहाँ से नहीं उधर उतर के आया, ये देखो यहाँ पर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ चेक कर लो, अरे सॉरी भाई, अभी आप लोग यहाँ पर ये चीज़ चेक करो, यहाँ तक गई है ये मार्केट, तो यहाँ से वापस क्यों आई, क्योंकि ये देख रहे हैं आप ये तगड़ा इसके पास यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ से बैक होके आई है, यहाँ से भी बैक होके आई है। अब यहाँ से बैक होके क्यों आई, चलो पीछे देखते हैं क्यों होके आई है। आप देखो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या क्या रेजिस्टेंस मिला हुआ है, अभी और पीछे देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से नीचे भी अगर तुम देखेंगे, पीछे जाके देखेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका पीछे भी रेजिस्टेंस बना हुआ होगा। तो ये हिसाब होता है मार्केट को चेक करने का भैया। अब ये इसको चाहे तो आप सीख लो या फिर मैं बता दूँ। अब देखो यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, यहाँ से मूव दिया, देखो अभी हम यहाँ कैंडल चेक करें, हमने डोजी कैंडल मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कमाई वाली कैंडल वाली, चलो देखते हैं देखते हैं। यहाँ पर करना है कि 80, देखिए भाई बिंदास कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक देखो बनी हुई है, डोजी कैंडल बनी हुई है, नीचे गई है, चलो यहाँ पर कोई अच्छा टारगेट नहीं है, यहाँ देखिए आप यहाँ पर तो ये 17 तारीख का है, चलो यहाँ छोटा ही टारगेट है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी ये डोजी कैंडल बनी हुई है, देखो यहाँ पर देखिए आप ये भी डोजी कैंडल ही है, जैसे ही इसको मूविंग एवरेज को पास टच किया तुरंत यहाँ पर बड़े अच्छे टारगेट मिले, बस एक ही टारगेट लेके हम निकल लो मार्केट से यार, 2-3 1-2 हज़ार रुपये कमा के, और क्या, कोई यहाँ से एक दिन में करोड़पति थोड़ी बनते हैं, पैसा बचाना भी तो है, 2,000 का घाटा चला गया, 2,000 कमा लिए तो 4,000 कमा लिए भैया, ये सोचा करो। चलिए यहाँ पर ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि हम लोग कैसे चेक करते हैं, अब हम बताते हैं आपको कि कल का मामला क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको मामला दिखाता हूँ मैं, तो देखिए भाई साहब अगर ये 34,000 को कल 34,400 को अगर ये बैंक निफ्टी पार करती है तो आपको टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पर 34,600 तक के, क्योंकि उसको भी पार करने के लिए इसको पहले ये तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर जब जाके ये रेजिस्टेंस यहाँ से बैक मारेगी, और भैया बैक मारेगी तो यहाँ से फिर शॉर्ट बनता है, शॉर्ट बनता है तो भैया यहाँ तक ही शॉर्ट बनता है, अगर इसको भी पार करती है तो फिर यहाँ तक शॉर्ट बनता है, समझ रहे मेरी बात। अब अगर इसको भी यहाँ से तोड़ देती है, इस लेवल को यहाँ से तोड़ देती है भैया, ये मान लो अब आप अगर ये 34,000, ये करीब यहाँ से 34,200 से नीचे आ रही है, तो समझ लो ये आपको टारगेट देके जाएगी फिर 33,900 के पक्का डेफिनेट। देखो टेक्निकल यूज़ किया है मैंने, आपके सामने ही यहाँ पर रेखा लगाई है, कोई मैं वहाँ से बना के नहीं लाया, कुछ भी नहीं करके लाया, सीधी सी बात है, यहाँ इस हाई को ये तोड़ेगी सीधी सी यहाँ निकलेगी, इसको अपने को यहाँ सपोर्ट को ये ब्रेक करेगी, तुरंत ब्रेक करेगी, तो यहाँ भी बना हुआ देखो सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ झटके देगी तुमको, यहाँ से आएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, जिसको जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगी तुरंत यहाँ से हमको इसको टारगेट मिल जाएंगे 33,900 के, फिर यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ब्रेक मारेगी, फिर इसको अगर तोड़ेगी तो फिर हमको यहाँ पर टारगेट मिलेंगे 33,800 के, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओ सब कुछ मालूम हो जाता है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।